हेलो डॉक्टर्स, ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा काली सल्फ्यूरिकम के माइंड रूब्रिक्स का पहला वीडियो है। ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, केयर्स फुल ऑफ अबाउट रिलेटिव्स, केयर्स फुल ऑफ अबाउट अदर्स, बेनेवलेंस, ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ सोशियबिलिटी, सिंपथेटिक टुवर्ड्स एनिमल्स, ह्यूमिलिटी एंड कंटेंटेड विथ हिमसेल्फ। ये सारे रूब्रिक्स यही कन्वे करते हैं कि काली सेल्फ पेशेंट में अपना फर्ज निभाने की स्ट्रांग फीलिंग्स होती है। ये पेशेंट बिना दूसरों के बोले खुद से अपना कर्तव्य निभाता है। पेशेंट सिर्फ अपने रिश्तेदारों का ही नहीं बल्कि अपने आसपास जो भी हैं उन सब का ख्याल रखता है। वो जनरल पब्लिक की भलाई के लिए पैसे या फिर फ्री सर्विसेज द्वारा मदद भी करता है। पेशेंट इंसान और जानवर दोनों के साथ रहमदिली से बिहेव करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट के डैड ने कहा, डॉक्टर मेरी बेटी तो हमारे घर में सबका ख्याल रखती है, कोई अपना हो या पराया ये सब की फिक्र करती है। उस दिन एक भूखी बिल्ली हमारे दरवाजे के पास आकर रो रही थी, तो इसने उसे कटोरी में दूध प्रोवाइड किया और ठंड से बचने के लिए उस बिल्ली को कंबल से ढक दिया। मेरी बेटी बहुत मिलनसार स्वभाव की है और इसलिए लोगों में बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। इतना ही नहीं, जॉब से घर आने पर यह हम सब के लिए खाना बनाती है और फिर घर के पास जो स्लम है वहां जाकर ये उन गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाती है। मैंने इसे कहा भी कि तुम्हारी टीचिंग स्किल्स इतनी अच्छी है तो आगे पढ़ाई क्यों नहीं करती, चाहिए तो मुझसे पैसे ले लो, लेकिन यह है कि मानती ही नहीं। इस पर पेशेंट बोली, डॉक्टर भैया मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूं। अगर किसी भूखे को खाना खिला दिया या गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। किसी की भलाई करने पर मुझे घमंड महसूस नहीं होता है। रही बात फ्यूचर स्टडीज की, तो डॉक्टर भैया मैंने जितनी पढ़ाई की है मैं तो उसी में खुश हूं। मुझे पता है कि और पढ़ाई करने से मुझे बेहतर सैलरी वाला जॉब मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद मैं खुद से खुश हूं। तो यहां पेशेंट के डैड ने बताया कि पेशेंट एक बहुत केयरिंग लड़की है जो गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, यानी बेनेवोलेंट है, जानवरों के प्रति सिंपथेटिक है और सोशियबिलिटी वाली खूबी के कारण लोगों से बहुत जल्द दोस्ती कर लेती है। इस पर पेशेंट का डॉक्टर को डॉक्टर भैया बोलना ब्रदरहुड वाला बिहेवियर दर्शाता है। दूसरों की भलाई करने के बावजूद पेशेंट में अहंकार नहीं है बल्कि वो बहुत विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी के साथ अपने नेक कामों को अपना कर्तव्य मानती है। पेशेंट फ्यूचर स्टडीज द्वारा खुद को अपग्रेड करने की बजाय कम एजुकेटेड होते हुए भी खुद से खुश है, इसलिए ये रूब्रिक है कंटेंटेड विथ हरसेल्फ। ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ और रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है। कंटेंटेड और कंटेंटेड विथ हिमसेल्फ, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने ओपीएम वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसी तरह सेल्फ सेटिस्फाइड और कंटेंटेड, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने पोडोफाइलम वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इन तीनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स, डांसिंग, चीयरफुल विथ डांसिंग, लाफिंग, सिंगिंग एंड लोक्वासिटी विथ जेस्टिंग। डांस या डांसिंग, इस शब्द का मतलब है नाच या नृत्य, जिसमें एक इंसान म्यूजिक पर रिदमिक बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से व्यक्ति थक जाता है, फिर भी उसको ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह डांसिंग टू समवन्स ट्यून्स यानी किसी के इशारों पर नाचना, इन मुहावरों का मतलब है बिना एतराज के दूसरों की हर इच्छा पूरी करना, भले ही वो सही हो या गलत।
इस सिचुएशन में पेशेंट एक गुलाम या नौकर की तरह दूसरों को खुश करने की कोशिश में उनकी हर बात या डिमांड को पूरा करने में बिजी रहता है। कालीसर्फ पेशेंट को डांस करना और गाने गाना दोनों ही बहुत पसंद होता है, लेकिन पेशेंट दूसरों को खुश करने की कोशिश में उनके इशारों पर नाचने के लिए भी तैयार हो जाता है। पेशेंट बहुत बातूनी होता है और उसे हंसी मजाक यानी जोक्स के जरिए सबका मनोरंजन करना बहुत अच्छा लगता है। क्वारलिंग एवर्जन टू, हार्मनी डिजायर फॉर, एंजाइटी फ्रॉम वॉर्म्थ, कॉन्वर्जेशन अमिलोरेट्स एंड कॉन्सोलेशन अमिलोरेट्स। वॉर्म मतलब कंफर्टेबल डिग्री ऑफ हीट। अगर कोई इंसान फ्रेंडली और अफेक्शनेट तरीके से बिहेव करता है तो इसे भी वॉर्म्थ या वॉर्म बिहेवियर कहा जाता है। काली सेल्फ अपने केयरिंग और कंसिडरेट नेचर के जरिए सभी को खुश रखना चाहता है। पेशेंट को पता है कि जब सब लोग मिलजुल कर रहते हैं तब नाराजगी और झगड़े होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसी तरह जब पेशेंट को दूसरों से प्यार और अपनापन मिलता है तब पेशेंट को फिक्र होने लगती है, लेकिन यदि पेशेंट को कोई दिलासा दे तो इससे पेशेंट का टेंशन दूर हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, अमेरिका से इंडिया घर लौटते समय मैं सबके लिए तोहफे लेकर आया। हालांकि मेरे डैड ने कहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि अगर मेरे गिफ्ट्स लाने से सबको खुशी मिलती है तो इसमें गलत क्या है। मैं तो अपने घर के नौकरों के लिए भी तोहफे ले आया, उन्हें भी तो अच्छा लगेगा ना कि कोई उनकी फिक्र करता है। मैं बस अपने परिवार को एक साथ मिलजुल कर और हंसी खुशी जिंदगी जीते हुए देखना चाहता हूँ। कहीं भी झगड़ा होना अच्छी बात नहीं है, फिर वो घर हो, ऑफिस हो या देश हो। मेरा परिवार भी मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मुझे चिंता होती है कि अगर मुझे अमेरिका से जॉब का ऑफर आया और मुझे वहां जाना पड़ा तो फिर मैं इन सब के बगैर कैसे जी पाऊंगा। अपने डैड के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने पर मुझे अच्छा लगता है। जब वो मुझे कहते हैं कि चिंता मत कर, तुझे इंडिया में ही अच्छी जॉब मिल जाएगी, तब मैं रिलैक्स्ड हो जाता हूँ। फैस्टिडियस एंड रेस्ट के नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 5 में एक्सप्लेन किया है, लेकिन शॉर्ट में कहूँ तो फैस्टिडियस वाले पेशेंट का परफेक्शनिस्ट बिहेवियर उसके अपने माइंड में सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से नजर आता है, जबकि रेस्ट के नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस में पेशेंट सोसाइटी द्वारा सेट किए गए नियमों के अनुसार सही काम को सही तरीके से करता है, और जब सिस्टम द्वारा बनाए गए रूल्स के मुताबिक काम नहीं होता है तब इस बात से पेशेंट अपसेट हो जाता है। तो ड्यूटीज फुलफिल करते समय काली सेल्फ पेशेंट अपना हर काम एकदम परफेक्टली करता है। चेकिंग मस्ट चेक ट्वाइस और मोर। काली सेल्फ पेशेंट को हर चीज दो बार चेक करने की आदत होती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, एक हफ्ते पहले जब मुझे थोड़ी छींकें आ रही थी तब मैंने ये नोटिस किया कि मुझे खाने में नमक कम लग रहा है, जबकि घर के बाकी लोगों को नमक ठीक लग रहा था। मुझे शक हुआ कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया है। मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए। उस दिन मैं हर एक एक घंटे में सिर्फ यही जांच कर रहा था कि मुझे स्वाद आ रहा है कि नहीं। फिर शाम को अपने आप मुझे नमक का स्वाद पहले जैसा महसूस होने लगा। अगले दिन डॉक्टर ने भी मुझे चेक किया और कहा कि मुझे कोई दवाई या टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब भी मैं दिन में 2-3 बार अपनी ज़बान पर नमक रख कर चेक करते रहता हूँ कि कहीं टेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑर्डर डिज़ायर फॉर। इस शब्द के दो मीनिंग्स हैं। पहला, किसी पर्सन ऑफ अथॉरिटी द्वारा दिया गया हुक्म या कमांड जिसे फॉलो करना पेशेंट के लिए कंपलसरी होता है। दूसरा, एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट जहां लोगों या चीजों को पर्टिकुलर विशेषताओं के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से अरेंज किया जाता है, जिसके कारण हर चीज अपनी सही जगह पर मौजूद होती है। तो काली सेल्फ पेशेंट दूसरों से ऑर्डर लेना पसंद करता है और उसे हर चीज को सही जगह पर रखना भी अच्छा लगता है।
पेशेंट को चीज़ें एक सिस्टमैटिक या लॉजिकल सीक्वेंस में अच्छी लगती हैं। एग्जाम्पल वन, पेशेंट बोला, डॉक्टर अब मेरा बेटा मेरी कंपनी का बॉस बन गया है, तो मैं चाहता हूं कि वो अपने स्टाफ को बताए कि इस प्रोजेक्ट पर काम कैसे करना है ताकि सब लोग उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। मेरे दामाद के गवर्नमेंट जॉब में उसे एक शहर से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, मैं यही चाहता हूं कि वो और मेरी बेटी एक जगह पर सेटल हो जाएं। एग्जाम्पल टू, पेशेंट बोली, डॉक्टर मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे स्कूल से घर पर शाम 6 बजे तक आ जाएं। उनके जूते शू रैक में रखे हुए होने चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म्स हैंगर पर टंगे होने चाहिए और बाकी सामान भी सही जगह पर रखा हुआ होना चाहिए, बस वो लोग मेरी ये बात मान लें तो अच्छा है। प्रोग्रामिंग एवरीथिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब है पहले से एक सेट ऑफ एक्टिविटीज को प्लान और शेड्यूल करना ताकि वक्त आने पर उसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया जा सके। काली सेल्फ पेशेंट चाहता है कि सारे काम ऑर्डरली मैनर से एग्जीक्यूट किए जाएं। इसलिए पेशेंट अपना टाइम टेबल बनाकर अपने सारे डेली टास्क को टर्न बाय टर्न कंप्लीट करता है। कॉन्शेंशियस अबाउट ट्राइफल्स। काली सेल्फ पेशेंट छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ध्यान देता है और अपना काम अच्छे से सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे खुद ये लगता है कि हर काम सही ढंग से करना चाहिए। अक्सर स्कूल या ऑफिस में इन पेशेंट्स की गुड बॉय या गुड गर्ल वाली इमेज होती है। क्लेनलीनेस मेनिया फॉर एंड वॉशिंग ऑलवेज हर हैंड्स। काली सेल्फ पेशेंट को साफ सफाई बहुत पसंद होती है और इसलिए बीमारी हो या ना हो पेशेंट अपने हाथ बार बार धोती रहती है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन नो काली सेल्फ। इस रूब्रिक में काली सेल्फ का ना होना यह दर्शाता है कि काली सेल्फ पेशेंट बाय नेचर फैस्टिडियस और केयरिंग होता है, मतलब इन दोनों बातों के लिए किसी ने पेशेंट को फोर्स या मजबूर नहीं किया है कि पेशेंट परफेक्शनिस्ट या केयरिंग बने। इसलिए हर काम अच्छी तरह से करना हो या फिर दूसरों का ख्याल रखना हो, पेशेंट ये सब अपनी मर्जी से और खुशी से करता है ताकि कोई पेशेंट से नाराज ना रहे। एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एग्जर्शन। ज्यादा पढ़ाई लिखाई या जरूरत से अधिक दिमागी काम करने पर काली सेल्फ पेशेंट में सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग। काली सेल्फ पेशेंट को झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्वारल्स के कारण पेशेंट बीमार हो जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस। इस रूब्रिक के दो मीनिंग्स हैं। पहला, जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है तब यह रूब्रिक एप्लीकेबल होगा। ऐसा व्यक्ति संभोग को एंजॉय करता है लेकिन एक्सेसिव इंडल्जेंस के कारण वो बीमार हो जाता है। दूसरा, जब इंसान किसी एक्टिविटी को इतना एंजॉय करे कि वो उस काम को लगातार और बहुत ज्यादा समय के लिए करता रहे और इस बिहेवियर के कारण बीमार हो जाए, तब मेटाफोरिकली इस कॉजिटिव फैक्टर को भी सेक्सुअल एक्सेस कहा जाता है। तो काली सेल्फ पेशेंट को दूसरों के लिए काम करना इतना अच्छा लगता है कि वो इस काम को बहुत ज्यादा समय तक करता रहता है। पेशेंट के इसी बिहेवियर के कारण उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं अपने ऑफिस के काम को बहुत एंजॉय करता हूं, मेरे जॉब में प्रेजेंटेशन तैयार करना और लोगों के साथ बातचीत करना शामिल है जिसे करने में मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन अब मुझे इस काम का इतना शौक हो गया है कि मैं ऑफिस आज के बाद भी 1-2 घंटे ओवरटाइम करता हूं, यहां तक कि मैं ऑफिस का काम घर पर ले आता हूं। इसी वजह से मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूं और इस बात से मेरी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ रहा है। मेरे इसी बर्ताव के कारण मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर अपने मायके चली गई। कॉन्फिडेंट प्लान्स मेकिंग मेनी एंड फर्मनेस। बीमारी या अनप्लेजेंट सिचुएशन के आने पर काली सेल्फ पेशेंट को लगता है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसे खुद पर भरोसा होता है और इसलिए वो बहुत सारी योजनाएं बनाता है ताकि उसकी समस्या दूर हो जाए। फर्मनेस।
इस शब्द का मतलब है अपनी बात या फैसले पर अटल रहना। ये एक स्ट्रांग माइंडसेट दर्शाता है, क्योंकि एक बार डिसाइड करने पर पेशेंट अपना फैसला अनफेवरेबल या अपोजिंग सर्कमस्टेंसेस के बावजूद भी नहीं बदलता। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, कपड़े बेचने का बिजनेस सेटअप करते समय मुझे खुद पर यकीन था कि मैं ये काम कर सकता हूँ और सक्सेसफुल भी हो सकता हूँ। मैंने सोचा कि इस काम को करने के लिए सबसे पहले बैंक से लोन लेना है, फिर दुकान के लिए ज़मीन खरीदना है, फिर दुकान को शोरूम बनाना है और फाइनली सप्लायर से कपड़े लेकर कस्टमर्स तक पहुँचाना है। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लिए और आज मैं एक नहीं बल्कि दो दुकानें मैनेज कर रहा हूँ। मेरे डैड ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की और मुझे घर से निकालने की धमकी तक दे डाली, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मुझे ये बिजनेस करना है तो बस करना है। इम्पेशियंस, एवरीथिंग गोज टू स्लोली एंड इम्पेशियंस व्हेन वर्किंग। अपने फैस्टिडियस बिहेवियर के कारण काली सेल्फ पेशेंट काम परफेक्टली ही नहीं बल्कि जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, इसलिए काम में थोड़ी सी देरी भी पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बेसब्र होकर अपनी नाराजगी एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर, इनको सब कुछ फटाफट चाहिए होता है। दो दिन पहले ये डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे और बोले, नाश्ता ले आओ। मैंने कहा, अभी लाती हूँ, और किचन तक पहुँचूँ उससे पहले ये चिल्लाकर बोले, मेरा नाश्ता कहाँ है, इतना टाइम क्यों लगा रही हो, जल्दी लाओ। इस पर पेशेंट बोला, हाँ डॉक्टर, मैं अपना हर काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूँ, थोड़ी सी देर होने पर मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ। मिस्टेक्स मेकिंग इन स्पीकिंग वर्ड्स, मिसप्लेसिंग वर्ड्स, फॉरगेटफुलनेस फॉर व्हाट ही वॉज अबाउट टू डू एंड फॉरगेटफुलनेस फॉर व्हाट ही इज अबाउट टू से। हर काम को जल्द से जल्द और परफेक्टली कंप्लीट करने की कोशिश में काली सेल्फ पेशेंट अक्सर भूल जाता है कि उसे क्या कहना या फिर क्या करना है। पेशेंट बात करते समय भी गलतियां करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट का बेटा बोला, डॉक्टर, बात करते समय डैड अक्सर वर्ड्स को सही ग्रामेटिकल ऑर्डर में नहीं बोलते हैं। उस दिन उन्होंने कहा, मेरे दोस्त को डॉक्टर के पास जाना पड़ा जिसे पेट दर्द हो रहा था। अब सही तरीके से डैड को ये कहना चाहिए था कि मेरे दोस्त को पेट दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इस पर पेशेंट बोला, हाँ डॉक्टर, बोलते समय मैं ऐसी गलतियां जिसके कारण लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं कर रहा हूँ। वैसे मैं अभी क्या कह रहा था, अरे मुझे तो ये भी याद नहीं कि मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना था, मुझे कोई काम करना था लेकिन मुझे वो भी याद नहीं आ रहा है। यहाँ पेशेंट ने कहा, बोलते समय मैं ऐसी गलतियाँ जिसके कारण लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं कर रहा हूँ। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि सही ऑर्डर है, बोलते समय मैं ऐसी गलतियाँ कर रहा हूँ जिसके कारण लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब यहाँ पेशेंट बात करते समय वर्ड्स के सही सीक्वेंस को मिसप्लेस करने की गलती कर रहा है। Delusions, he is doing nothing right. Delusions, everything will fail. Fear of accidents and discontented with himself. जो काली सेल्फ पेशेंट कभी हर काम परफेक्टली करता था और खुद से कंटेंटेड रहता था, अब ऐसी गलतफहमी महसूस करता है कि वो कुछ भी सही नहीं कर रहा है और इसलिए उसके द्वारा किया गया हर काम असफल होगा या फिर उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा। अपनी मिस्टेक्स और फॉरगेटफुलनेस के कारण पेशेंट खुद से नाखुश रहने लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर, जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से लगता है कि मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। घर वाले कह रहे हैं कि मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने नमक बराबर नहीं डाला है और मिर्च ज़्यादा डाल दी है। जाने क्यों ऐसा लगता है कि एक दिन इन लोगों को मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा लगना बंद हो जाएगा और मैं कितनी भी कोशिश करूं मेरा खाना इन्हें कभी पसंद नहीं आएगा। इसी तरह दो घंटे से घर की साफ सफाई करने के बावजूद मुझे लगता है कि मैंने ठीक से झाड़ू पोछा नहीं मारा है।
पता नहीं क्यों, लेकिन मैं खुद से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इतना ही नहीं, अब तो मैंने अपनी कार ड्राइव करना भी छोड़ दिया है, इस डर से कि कहीं मुझसे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये काली सल्फ्यूरिकम पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का पहला पार्ट था। पार्ट टू में मैं इस दवाई के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।